कोतवाली क्षेत्र के जुलवाने रोड पर खेतों में कपास चोरी करते किसान ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा है, जबकि अन्य साथी मौका पाकर फरार हो गए। किसानों ने शनिवार रात युवक को पुलिस के सुपुर्द किया है। किसान खुद अपनी उपज बचाने के लिए खेतों की रखवाली कर रहे थे, शनिवार रात चोर को पकड़कर थाने लाए। किसान पवन कुमावत ने बताया कि पिछले एक महीने से किसान खुद फसल की चौकीदारी कर रहे थे, इसके बाद भी कपास और मक्का की चोरी हो रही थी। बीती रात देवली रोड पर 5 चोर नजर आए थे, जिसमें से एक चोर को हमने घेराबंदी कर पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द किया है। क्षेत्र के करीब 100 किसान खेतों से चोरी हो रही फसल से परेशान हैं। थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि पकड़ में आए चोर के अन्य साथियों की पूछताछ की जा रही है। सर, आज के हम एक महीने से घेरेदारी कर रहे हैं और देवली रोड पे आज एक चोर को हमारे यहाँ पकड़ा, हमने फेरा डाल के आदमपुरा एरिया पर डे चोरी होती रहती है। इस आधार पर हमने फेरा डाला कि यार चोरों को पकड़े कहीं भी करके। काय की चोरी होती है? कपास की चोरी होती है सर हमारे यहाँ। कितना रोज कितना हो चोरी? 60 किलो 70 किलो कुंटल खांड 5 जो बीत के ले जाते हैं उनके हिसाब से जितना खर्चा पानी लगता है। कितने चोरों को पकड़ा आप लोगों? आज एक चोर को पकड़ा इन्होंने सर, एक चोर को पकड़ के लाए, ये 4 भगवे है। पुलिस में शिकायत करवा दी? हाँ, पहले एक आवेदन भी दिया हम लोगों ने शाम को, उसके बाद इन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं करी। बाकी कितने किसान इससे परेशान थे? इससे किसान कम से कम 100-150 किसान परेशान। लुवानिया रोड स्थित कपास के खेत से एक व्यक्ति चोरी कर रहा था, जिसे वहाँ खेत मालिक और आसपास के किसानों ने पकड़ के लेके आए हैं, जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि चोर के लिए इन्होंने मतलब काफी परेशानी उठानी पड़ी है। हाँ, इसमें चूंकि गश्त भी बढ़ाई गई थी उधर और लगातार हम भी नजर रख रहे थे और आरोपी पकड़ा, इसके अन्य साथियों के संबंध में और अन्य पूछताछ कर इसमें और भी आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।